नीचे की रचना थी बूथ अध्यक्ष। बूथ अध्यक्ष हमारे कुछ निष्क्रिय थे तो उनको पूरी तरह वापिस से सक्रिय करते हुए कुछ नए बनाने थे वो बनाए गए। फिर नीचे की इकाई जो बहुत महत्वपूर्ण इकाई थी, बूथ की कार्य समिति जो 21 सदस्य की है और कम से कम 12 सदस्य थे, तो उसको लेकर के ये कार्य संपादित हो रहा था। भाजपा शहर जिला द्वारा कमल ऐप पर बूथ समितियों की आईडी अपलोड। संगठन प्रभारी वीरमदेव सिंह और भाजपा शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा की सदारत में हुआ कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर द्वारा खाईलैंड मार्केट स्थित होटल कनक सागर के सामने वाली गली में शनिवार शाम भाजपा शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, संगठन प्रभारी वीरमदेव सिंह के नेतृत्व में कमल ऐप डाउनलोड कर उस पर बनाई गई बूथ समितियों के सदस्यों की आईडी को अपलोड किया गया। जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा ने बताया कि केंद्रीय व प्रदेश नेतृत्व द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना करते हुए भाजपा संगठन द्वारा पूरे देश भर में बड़े स्तर पर समितियों के गठन के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी के तहत सशक्त मंडल कार्यक्रम के तहत 4 चरणों में मंडल अध्यक्ष मंडल कार्यकारिणी, मोर्चों के अध्यक्ष मोर्चों की कार्यकारिणी, बूथ अध्यक्ष बूथों की कार्यकारिणी के बाद अब बूथ समितियों का गठन किया गया है और यह कार्य निर्बाध गति से जारी है। शहर जिले में 650 बूथ समितियों का गठन किया जा रहा है, जिसमें 500 से अधिक बूथ समितियां गठित की जा चुकी हैं। इनमें बनाए गए नए सदस्यों की आईडी को आज कमल ऐप पर अपलोड करने का कार्य किया गया है। भाई साहब, किस तरह से ये आज कमल ऐप लॉन्चिंग हुई है, क्या? भारतीय जनता पार्टी का पिछले 6 माह से कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमारे शुरू से लेकर के जैसे शहर जिला की कार्यकारिणी का गठन तो पूर्णतः हो रखा था, फिर मंडल अध्यक्ष हमारे बने हुए थे, मंडल की परिसीमन होना था, मंडल की कार्यकारिणी और मंडल के पदाधिकारियों का पूर्णतः गठन होना था अगर कहीं पे नहीं हुआ था तो, और शक्तिकांत प्रभारी, उसके बाद जो नीचे की रचना थी बूथ अध्यक्ष। बूथ अध्यक्ष हमारे कुछ निष्क्रिय थे तो उनको पूरी तरह वापिस से सक्रिय करते हुए कुछ नए बनाने थे वो बनाए गए। फिर नीचे की इकाई जो बहुत महत्वपूर्ण इकाई थी, बूथ की कार्य समिति जो 21 सदस्य की है और कम से कम 12 सदस्य थे, तो उसको लेकर के ये कार्य संपादित हो रहा था। इसमें प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ने निर्देशित किया था कि एक फॉर्मेट भेजा था जिसमें 21 सदस्यों के नाम, मोबाइल नंबर और फोन मोबाइल नंबर, उनके जन्मतिथि, ये सब उसमें भर के भेजनी थी। और भरने के पश्चात हमको कमल ऐप जो हमारा केंद्र का जो ऐप है उसमें डाउनलोड करनी थी। तो इस माध्यम से हमारी पूरी पारदर्शिता है, हमारा कोई भी बूथ का सदस्य, कोई भी फर्जी बूथ का सदस्य नहीं है। आज किसी भी बूथ के हमारे सदस्य को आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल हमारे कमल ऐप पे आपको मिल जाएगी। ये सोचते हुए भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने निर्देश दिया और ये सोच रखी कि हमारा कार्यकर्ता एक ठोस कार्यकर्ता रहे, उसी को लेकर के आज हम कमल ऐप के माध्यम से हमारी बूथ की समितियाँ उसमें डाउनलोड कर रहे हैं। आज हमारे जो सशक्त मंडल वाला कार्यक्रम जो चल रहा है, इसके 4 चरण हैं। पहले चरण में हमारे सशक्त मंडल का गठन किया गया, जिसमें मंडल अध्यक्ष, मंडल की कार्यकारिणियाँ, फिर मोर्चों के मंडल अध्यक्ष, मंडल की उनकी मोर्चों की कार्यकारिणियाँ। सेकंड फेज में हमारे बूथ अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी। तीसरे फेज में फिर बूथ की कार्यकारिणी बनी और अब बूथ समितियां बन रही, और उन बूथ समितियों को कमल ऐप पर, जो हमारा कमल ऐप है जो राष्ट्रीय स्तर पर ये जो हम इस पर डाउनलोड करेंगे तो प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर इन दोनों की कॉपी जाएगी। और वहाँ से हमको एक OTP मिला है, उस OTP के माध्यम से कन्फर्म भी होगा, और जो व्यक्ति इसका सदस्य है उसकी फ़ोटो लग रही है उससे, उसके पास OTP जाएगा, वो OTP हमको देगा, तब हम उसको कमल ऐप में उसका कन्फर्म होगा। इस प्रकार से पूरा काम है बड़ी सुव्यवस्थित तरीके से, जो हमारी बूथ समितियाँ हैं, जैसे इस शहर ज़िले में 650 बूथ समितियाँ हैं, जिसमें से लगभग 525 के लगभग गठन हो चुका है, और बाकी शेष बची वो भी 2-4-5 दिन में फोटो युक्त हमारी बूथ समितियाँ का गठन हो रहा है, और उनको फिर हम कमल ऐप पे डाउनलोड करके उसको प्रमाणित कर रहे हैं।